बिहार में हुए करोड़ों रुपए के सृजन घोटाले की कमान सीबीआई ने पूरी तरह संभाल ली है, जिसको लेकर सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है अब तक 18 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उधर विपक्ष भी पूरी तरह से नीतीश सरकार को घेरने में लगा हुआ है। सीएम और डिप्टी सीएम से पद से इस्तीफे की मांग कर रहा है। सृजन घोटाला में अब डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की चचेरी बहन रेखा मोदी का भी नाम सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सृजन घोटाले में कई नेताओं के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन, झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे और बीजेपी से निलंबित चल रहे किसान मोर्चा के अध्यक्ष विपिन शर्मा के नाम सामने आए हैं। इनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सृजन या उसकी संचालक मनोरमा देवी या उनके बेटे अमित कुमार और उनकी पत्नी प्रिया से संबंध रहे। ताजा खुलासे में रेखा मोदी का नाम सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा मोदी डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की चचेरी बहन हैं। हालांकि दोनों के बीच हाल के वर्षों में कभी मधुर संबंध नहीं रहे, लेकिन सुशील मोदी को बिहार की सत्ता में 2005 से रेखा मोदी के कारण कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा। खबरों के अनुसार जांच एजेंसियों को सृजन के खाते से भुगतान कर बहुत बड़ी मात्रा में आभूषण, खासकर हीरे की खरीदारी के सबूत मिले हैं। इस जांच में पता चला है कि जिस ज्वेलर्स को हीरे की खरीदारी का भुगतान सृजन ने किया था, वो रेखा मोदी के एक कंपनी के माध्यम से किया गया था। रेखा मोदी फिलहाल गायब हैं। उनके पटना स्थित घर पर कोई उनका ठिकाना नहीं बता रहा है, लेकिन मनोरमा देवी से उनके मधुर संबंध जग जाहिर हैं। अब सवाल इस बात का है कि सुशील मोदी, जो कि इस वक्त सत्ता में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर हैं, तो क्या सुशील मोदी अपनी चचेरी बहन को बचाने का प्रयास करेंगे? आखिर कब होगा सृजन घोटाले का पर्दाफाश? कब सलाखों के पीछे जाएंगे असली आरोपी? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।